खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज बिलाड़ा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजीव गांधी सेवा केंद्र का उद्घाटन कर रहे हैं। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको बिलाड़ा, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभा को संबोधित कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग सब क्षमा चाहते हैं कि आने में देरी हुई और इस कारण से आप लोगों को कष्ट उठाना पड़ा। गर्मी का टाइम है, बुआई का टाइम भी है, फिर भी आप लोग इतनी बड़ी तादाद में पधारे हो, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिलाड़ा क्षेत्र जब से मैं एमपी बना 79 में, जब परसाम जी बद्रीनाथ साहब, राम सिंह जी विश्वई जी, खेचिनी राठौड़ साहब, बड़े बड़े नेता उस वक्त में साथ थे हम लोगों के, और पूरे जिले के अंदर प्रताप बरवड़ जी जो जिला अध्यक्ष थे कांग्रेस के उस वक्त में, रंजीत सिंह जी ओशिया, डूडी साहब, सब लोग साथ साथ में हम लोग घूमे थे। और आज उस बात को 33 साल हो गए, 33 साल से आपसे रिश्ता मेरा है और आपके आशीर्वाद से मुझे 5 बार एमपी बनने का अवसर मिला, 3 बार केंद्रीय मंत्री, 3 बार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष और दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में आपकी मैं सेवा कर रहा हूँ। और हमेशा ये दिमाग में बात रहती है, जिस जनता ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है मुख्यमंत्री पद तक प्रथम सेवक के रूप में राजस्थान की जनता के लिए, तो मैं हर पल हर क्षण ये प्रयास करता हूँ कि उस जनता का मान सम्मान पूरे देश में पूरे प्रदेश में बढ़े, कोई ऐसी गलती नहीं करे जिससे कि मेरी जनता को, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र था, आप मेरे मतदाता थे, उसको नीचा देखना पड़े। हर वक्त मैं ये बात ध्यान में रख करके हर फैसला करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि राजस्थान बहुत तेज गति से विकास करे, चहुंमुखी प्रगति हो, हर वर्ग को राहत मिले, सुविधाएं मिले, उसके सुख दुख में हम भागीदार बने। विकास पानी की स्कीमों में, सड़कों में, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में कोई कमी नहीं रहे, और यही मूलभूत आवश्यकता होती है, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें। इस मामले में अपन लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बिजली का उत्पादन 6,500 मेगावाट से अधिक कर चुके हैं हम लोग, सड़कों का जाल बिछा रहे हैं राजस्थान भर के अंदर, शिक्षा की बड़ी बड़ी योजनाएं आ गई है, जो शिक्षण संस्थाएँ छात्र जानते हैं कि नाम सुनते थे राजस्थान वाले देश में, आज IIT, IIM, IIIT लॉ यूनिवर्सिटी भी, कृषि विश्वविद्यालय और आ रहा जोधपुर के अंदर, पुलिस यूनिवर्सिटी आ गई, लॉ यूनिवर्सिटी पहले आ चुकी थी, एम्स का कल देखा होगा आप अखबार में, कल गुलाम नबी आज़ाद साहब आए थे, एम्स बन रहा है, जो दिल्ली में एम्स जाना पड़ता था, अब आपका दिल्ली के बाद में दूसरा एम्स जो है जोधपुर में बनेगा, पूरा जल्दी होगा, ये मैं कहना चाहूँगा। इस प्रकार से तमाम काम जिस रूप में हो रहे हैं वो आपके सामने, फ्लैगशिप प्रोग्राम उन्होंने बनाए, 1 रुपये किलो गेहूँ, 5 रुपये किलो आटा, मकान पक्का बने गरीब आदमी का, 10 लाख मकान बनाने का काम शुरू किया है, पहले 50,000 मिलता था, अब 70,000 मिलेगा उन गरीब आदमी को, बाथरूम के लिए 9,000 रुपये अलग मिलेंगे, किसानों के लिए अभी जाकर साहब कह रहे थे आपको, ब्याज जो टाइम पे वापस पेमेंट करेगा, 1.5 लाख तक का कर्जा लेगा किसान, 15,000 करोड़ रुपये हम लोगों ने रिलीज किया है कि वो बटे, और किसान का पूरा ब्याज 1 रुपया भी किसान को नहीं भरना पड़ेगा, सरकार भरेगी बैंकों के अंदर ब्याज, किसान को खाली मूल भरना पड़ेगा। 2 रुपये हमने डेयरी वालों को दे दिया है, पशुपालकों को प्रति लीटर दूध देने वालों को सरकार देगी, उनको एक्स्ट्रा 2 रुपये बोनस देगी प्रति लीटर दूध का, ये देश में हम सबसे पहले हमने किया है इसको। इस प्रकार से इतने फैसले किए, गेहूं के उत्पादन करने वाले को 150 रुपये प्रति क्विंटल का अलग बोनस दे रही है सरकार,
इतनी स्कीम आ गई है कि याद रखने मुश्किल हो रहा है। सोशल सिक्योरिटी के अंदर आप देख रहे हैं कि निश्चित जनों के लिए ट्राईसाइकिल दे रहे हैं, अलग से दे रहे हैं, हॉस्टल के लिए अलग हम लोग बढ़ा दिया है, 1,750 रुपये कर दिया, पहले 750 रुपये मिलते थे, फिर 1,000 हुए, फिर 1,250 हुए। सब जगह वजीफा कर रहे हैं, जहाँ जहाँ ये लगता है कि सोशल सिक्योरिटी का अपना जो महत्व है, दवाएं फ्री कर दी सबके लिए, दवाइयों के साथ साथ हमने जांचें फ्री कर दी, टेस्ट फ्री कर दिए हैं, खून के भी, सोनोग्राफी, एक्सरे सब फ्री कर दिए हैं। और आने वाले 15 अगस्त से, अभी तक CSC में हुआ है, 15 अगस्त से PSC तक चला जाएगा, सब फ्री जांचें होगी, खून की भी और सब जांचें। पशुओं की दवाएं भी आप जानते हो बहुत महंगी थी, देश में कहीं पे भी नहीं हुआ होगा, हमने पशुओं की दवाएं फ्री कर दी है। करो राम जी, आपको खुशी होनी चाहिए, पुराने आप हमारे MLA रहे हो, आपने वो जमाना भी देखा है, आज आप देख रहे हो क्या क्या स्कीम आ रही है। और तो और पेंशन बुजुर्गों के लिए 55 साल की महिला, 58 साल के पुरुष, विधवा बहनें हमारी उनकी पेंशन, निःसहजन जो है अपंग भाई बहन है उनकी पेंशन, पूरे मुल्क में एक दो जगह होगी जो पहला और राज्य में मिलता 200 रुपये मिलता, 300 रुपये मिलता प्रति माह का, हम देते 500 और 750 देते हैं राजस्थान के अंदर। इसका मतलब एक परिवार में पति पत्नी को 1 साल का 12,000 रुपये, और अगर 75 साल 75 साल के हैं 18,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे उन बुजुर्गों को, विधवाओं को, सबको। अभियान चला के 30 लाख जुड़े हैं, नए बुजुर्ग लोग जुड़े हैं, विधवाएं जुड़ी है, निःसहजन जुड़े हैं। स्कीम में कोई कमी नहीं रखी है। इस प्रकार से युवाओं के लिए जो 5 ही पार युवा है, हमने करीब 1.5 लाख नौकरी लगाई, 1.5 लाख की प्रक्रिया चल रही है। कुछ अड़चन आती है, कई बार हाईकोर्ट में रुक जाता है, इसके होता है, मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे हम उनसे फैसले जल्दी करवा करके पूरी भर्ती करवाएंगे। और जितनी समस्या नौजवानों की है उनको हल करना चाहते हैं, पर सबको नौकरी मिल नहीं सकती सरकार की। 1.5 लाख नौकरी मिल गई, 1.5 लाख के आसपास और मिलेगी, वो भी तैयार बनेगा राजस्थान के अंदर। पर जो 5 ही पास नौजवान हैं वो मजदूर नहीं बने, कारीगर बने। इसके लिए 150 करोड़ रुपये अलग से हमने रखे हैं, ट्रेनिंग करवा रहे हैं उनकी। अभी मैं जाके आया, जो आपका उद्घाटन हुआ है पंचायत समिति भवन का, राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केंद्र, पंचायत समिति भवन के विस्तार का उद्घाटन हुआ, किसान सेवा केंद्र कम विलेज नॉलेज सेंटर उसका शुभारंभ हुआ। मैं कहना चाहूँगा आपको, ये जो जिस रूप में फैसले सरकार कर रही है उसमें हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं। अभी यहाँ पर बच्चे कंप्यूटर सीख रही थी, 2700 रुपये में लगते हैं कंप्यूटर सीखने के, हमने तमाम बच्चियों को वापस पैसा दिलवाया, सब छात्राओं को, महिलाओं को जो कंप्यूटर सीखेगी RKCL के माध्यम से उनको फ्री सिखाया जाएगा, ये मैंने घोषणा करी राजस्थान के अंदर कर रखी है। गलती से पैसा वसूल हो गया था, मुझे मालूम पड़ा भोपालगढ़ के अंदर, अभी 5-6 दिन पहले मैं गया था भोपालगढ़, मैंने पूछा वहाँ की, हमारी बहन कंप्यूटर सीख रही थी, मालूम पड़ा इनसे पैसा ले लिया गया। मैंने कहा कलेक्टर साहब को पैसा वापस दिलवाओ, मुझे खुशी है वहाँ भी वापस होगा, बिलाड़ा के अंदर भी आज चेक वापस बांटे गए हैं। इस प्रकार से जो नौकरी एक सीमा तक मिल सकती, पर हम चाहते हैं कि ट्रेनिंग करवाए नौजवानों की बड़ी बड़ी कंपनियों से, जिससे कि वो रोजगार प्राप्त, खुद का धंधा कर सके, आगे बढ़ सके जिंदगी के अंदर, खाली मजदूरी नहीं करे। अब तो रिफाइनरी भी आएगी, तेल निकल गया राजस्थान में, गैस निकल गया है बाड़मेर में, आप सोच सकते हो कि रिफाइनरी आएगी तो कितने बड़े उद्योग खुलेंगे, कुछ सोच नहीं सकता है। 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहाँ पर होगा। इस प्रकार से पूरे प्रदेश में रोजगार कैसे मिले नौजवानों को, ये हमारी प्राथमिकता के अंदर है। सरकारी, गैर सरकारी, ट्रेनिंग करके मिले,
प्राइवेट कंपनियों में मिले उनको रोजगार, बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है। आपको जाने की खुशी होगी, राजस्थान वो राज्य है देश के सब राज्यों में चार राज्य सबसे वो है जहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देश का विदेश का जहाँ आया है वहाँ पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान चार राज्य हैं। तो आप सोच सकते हैं सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रख रहे हैं। इस प्रकार से जो फैसले किए हैं उससे राजस्थान चहुंमुखी प्रगति कर रहा है, बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अभी वक्त नहीं कि मैं आपको उन तमाम बातों की तरफ उनका आपका ध्यान आकर्षित करूं, तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि सरकार कोई कमी नहीं रख रही है। आप अखबार पढ़ते हैं, नौजवान अखबार पढ़ते हैं, रेडियो सुनो, टीवी देखें, आपको जानकारी है किस प्रकार के सारे फैसले हो रहे हैं। छात्रों के लिए कई योजनाएं बनाई हम लोगों ने, एससी एसटी के छात्र हैं, माइनॉरिटी के छात्र हैं, उनकी स्कॉलरशिप बड़े रूप में दे रहे हैं। पर साथ में हम लोगों ने तय किया है कि 8 ही 5 छात्र जो है उनको पीसी टैबलेट दिया, 6,000 के चेक दिए हम लोगों ने, तमाम 3.5 लाख छात्र छात्राओं को पूरे प्रदेश में वो पीसी टैबलेट खरीद ले। कंप्यूटर का छोटा रूप है, उससे वो कंप्यूटर सीख जाएगा। जमाना कंप्यूटर का आ गया, मोबाइल फ़ोन का आ गया, हर जेब में मोबाइल फ़ोन है। कई तो हमारी महिलाएँ रखती मोबाइल फ़ोन, खेत में काम करती करती पति को फ़ोन करती है, अभी मैं 2 घंटे दिल्ली से आऊँगी, ये जमाना आ गया है। इसलिए आपको मैं अपील करना चाहूँगा कि आप उस जमाने को समझें। इसीलिए हमने अभी से ही छात्र जीवन से ही 3.5 लाख पीसी टैबलेट 6,000 चेक बांटे गए। वो आज हम बांटेंगे यहाँ पर 18,000 का लैपटॉप है, कंप्यूटर का रूप है, पूरा कंप्यूटर ही समझ लो आप, कंप्यूटर वो 1,11,000 छात्रों को बांटेंगे, 1,11,000 छात्रों को प्रदेश के अंदर। कोई परिवार खरीद नहीं सकता, कुछ परिवार ही खरीद सकते हैं पैसे वाले ही। 18,000 रुपये 8 ही 5 के छात्रों को देना बहुत बड़ा काम होता है। 36,000 छात्र है 8 ही 5 के नंबर 1 पोजीशन वाले, उनको मिलेगा। नंबर 2 से 11 वालों को पीसी टैबलेट के चेक मिल गए 6,000 वाले, और नंबर 1 आए हैं 36,000 तो वो, और 10,000 10 ही 5 के बच्चे जो मेरिट में आए उनको छात्रों को, और 10,000 तो 12 ही 5 में आए हैं मेरिट के अंदर, उन सबको मिल रहा है। इस प्रकार से 1,11,000 12,000 13,000 जो भी होगा उन सबको मिलेगा, वो अपने ज़िंदगी में कामयाब हो सके। आज वो जब कामयाब होंगे तो आज तनख्वाह मिलती 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख, कुछ हो सकता है। देश दुनिया के अंदर हमारे छात्र जा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। और हमने ये भी कहा है 1 लाख छात्रों को राजस्थान के अंदर 1 लाख तक जो छात्र मेरिट में आएंगे 12वीं के अंदर, उन सबको APL हो BPL हो कोई हो भलाई, सबको ही 500 रुपये प्रतिमाह 5 साल तक मिलेंगे आगे पढ़ाई करने के लिए, 5 साल तक मिलेंगे। इस प्रकार से छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो सोनिया गांधी जी ने जननी शिशु सुरक्षा योजना जाकर साहब जिक्र किया आपको, वो बना दी है। पूरा पैसा सरकार उठा रही है भार। और तो हमने और एक काम किया है कि महिला को 2100 रुपये देंगे, जिस महिला के लड़की पैदा होगी उसको सरकार देगी 2100 रुपये एक्स्ट्रा, उस स्कीम के अलावा जो स्कीम बताई है जागर साहब ने आपको, उसके अलावा शुभ लक्ष्मी योजना नाम रखा है, लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करते दीपावली पर, सबको लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी घर पर आ रही है, लक्ष्मी घर पर आने के पहले ही हम कन्या भ्रूण हत्या कर देते हैं, लड़की को मार देते हैं पेट के अंदर ही, तो लक्ष्मी जी कैसे आएगी उस घर के अंदर जब लक्ष्मी की हत्या होगी पहले ही। इसलिए हमने तय किया कि जिनके लड़के लड़की पैदा होगी उनको 2100 रुपये मिलेंगे उसी वक्त में, 1 साल की होगी 3 टीका लगा लेगी, टीकाकरण हो जाएगा 2100 रुपये और मिलेंगे, और जो 5 साल की हो जाएगी तो 3,100 रुपये और मिलेंगे। इस प्रकार से ये योजना लागू की गई, इसलिए लड़का लड़की का अनुपात बराबर रहना चाहिए। कई ऐसे ज़िले हैं, कल गुलाम नबी आज़ाद साहब
हमारे स्वास्थ्य मंत्री आए थे, वो बता रहे थे कई ऐसे जिले देश के अंदर जहाँ पर लड़के लड़के हो गए, लड़कियाँ कम हो गई क्योंकि लड़की मार दी जाती है, वहाँ शादियों में दिक्कत आ रही है, लड़कों को लड़की कहाँ मिलती। फिर कई लोग जाते हैं दक्षिण के अंदर शादी करके लाते हैं, लड़की दक्षिण की भाषा अलग, खान पान अलग, रीति रिवाज अलग, वो समझती नहीं है कि भाषा बोली खान पान रीति रिवाज चार छः महीने वापस चली जाती है छोड़ करके। फिर जो शादीशुदा लड़का कुंवारा डोलता रहता है गाँव के अंदर, ये नौबत नहीं आनी चाहिए। भगवान ने जो है लड़का लड़की पूरी दुनिया के अंदर रेशियो फिक्स कर रखा है, वो अनुपात बिगड़ना नहीं चाहिए, बिगाड़ेंगे तो भगवान हमें माफ नहीं करेंगे। इस रूप में जो हाथ में काम लिए गए जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी नौजवान छात्रों की वो कंप्यूटर बचपन में सीख सके, इस कंप्यूटर योजना के पीछे एक कारण और भी है। राजीव गांधी सेवा केंद्र बन गए आपके, सारे पेमेंट नरेगा में, खाताधारी की नकल, मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पानी का बिल, बिजली का बिल, धीरे धीरे ट्रेन का बिल हो, ट्रेन का टिकट हो, बस का टिकट हो, रिजर्वेशन के साथ में आपको मिलेगा वहीं पर। कॉमन सर्विस सेंटर खुल गया यहाँ पर, मैं देख के आया हूँ अभी यहाँ पर, क्रांति हो गई है। जो शहरों में सुविधा हो गांव में मिले, बिलाड़ा तो फिर भी यहाँ पर नगर पालिका नगर परिषद है, कल्पना करो गाँव की जहाँ पंचायत समिति हैं, छोटा कस्बा ही नहीं है, ग्राम पंचायतों की भी वहाँ तक सुविधा पहुँचेगी जो शहरों में सुविधाएं मिलती है, ये कंप्यूटर का कमाल है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि छात्र जीवन में ही जो योजना लागू की हमने कंप्यूटर की, और लड़कियों के लिए साइकिल 2500 रुपये का चेक, 5 लाख चेक बढ़ेंगे, 5 लाख चेक राजस्थान के अंदर शुरुआत कल हो गई है, अभी अभी आपके हम और बढ़ेंगे, हमारे मंत्री जी यहाँ रुकेंगे पूरे वक्त में, सब चेक बटेंगे, 200 कंप्यूटर बटेंगे यहाँ पर। मैं आपको कहना चाहूँगा इसलिए कि बच्चे जो छात्र जो हैं जिनको लैपटॉप नहीं मिला है, इस बार से वो और ज़्यादा पढ़ाई करेगा कि मैं भी लैपटॉप लेने की स्थिति में आऊँ, अच्छी पढ़ाई करूँ, तो ज़्यादा मेहनत करेगा छात्र, उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, और जब गुणवत्ता बढ़ेगी उसका ज्ञान बढ़ेगा, वो ज्ञान देश के विकास में काम आएगा। ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर, जो ज्ञान है आज इस जमाने में आधुनिक युग के अंदर, उसमें जिसके पास ज़्यादा जानकारी है देश की दुनिया की, दिमाग के अंदर अखबार पढ़ता है, टीवी देखता है, कंप्यूटर से इंटरनेट पे तमाम खबरें मिलती है उसको, कंप्यूटर वो चीज़ें लाखों पेज आ जाते हैं उसके, लाखों पेज आ जाते हैं उसके अंदर कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में आप दुनिया भर का ज्ञान बटन दबाओ और देख सकते हो, मेडिकल का हो, कोई हो, रोजगार का हो, कंपनियों की जानकारी हो, दवाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं दुनिया का, अमेरिका का, इंग्लैंड का, जापान का, जर्मनी का, हिंदुस्तान का, पटना का, राजस्थान का, कोई भी देख लीजिए आप, तो जो जानकारी प्राप्त करने चाहो वो कंप्यूटर में मिल जाती है आप। इतनी बड़ी क्रांति हुई है, और ज्ञान का जो उपयोग करेगा वो आगे बढ़ेगा, इसलिए नॉलेज इज पावर, जिसका ज्ञान है ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। हम चाहते हैं हमारे छात्र आने वाले वक्त में और ज़्यादा मजबूत हो, व्यक्तित्व का उनका विकास हो, प्रदेश का और देश में अपने गाँव का, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करें और ज़िंदगी को कामयाब करे, ये सोच करके हम लोगों ने सब यहाँ पर काम हाथ में लिया है, और इसीलिए सब कंप्यूटर बन रहे हैं। हमारे कुछ विपक्षी साथी लोग वो बड़ी बेइज्जती से बात करते हैं, रेवड़ियाँ बढ़ रही हैं, ये बुजुर्गों को पेंशन रेवड़ी है, अगर हम चेक बांटते साइकिल के लिए 2500 रुपये का चेक बनेंगे, पहले हमने साइकिलें बांटी थी लास्ट टाइम, वो साइकिलें मैंने देखी, मैंने बांटी, मुझे खुद को बड़ी संकोच हुआ कि साइकिल जो मैं चाहता था वैसी साइकिल है नहीं है। टेंडर करो, फिर बेईमानी होती है टेंडर में, जो सप्लाई करता है वो बेईमानी कर जाता है, क्वालिटी वो आती नहीं है जो हम चाहते हैं। 8-2500 में देंगे चेक, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जो केंद्र सरकार कर रही है, राजीव गांधी ने कहा था 1 रुपया बेचते दिल्ली से
तो गांव में पहुंचते पहुंचते पन्ना नए पर ही पहुंचते विकास के। आपको याद होगा जब जिंदा थे तभी बात कही थी, आज सीधा जब नकद जाएगा उसके बैंक खाते में चेक दे रहे उसको, ना भ्रष्टाचार होगा, उसके माँ बाप मिलकर उसे तो 200-400 रुपये और मिला करके अच्छी साइकिल दिला देंगे उसको। ये लड़के का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मेरी खुद की साइकिल है। इस प्रकार से जो शुरुआत की गई है उसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, पर विपक्ष के पार्टियों वाले लोग, क्योंकि चुनाव आ गए हैं इसलिए वो सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, उससे आपको सावधान रहना है। ये मैं आपसे अपील करना चाहूँगा। और सरकारी क्रांतिकारी योजनाओं का लोहा पूरा देश मान रहा है, हर राज्य में सरकारों के ऊपर दबाव पड़ रहा है। दक्षिण के लोग मिलने आते हैं वो कहते हैं हमारे वहाँ सरकारों पर दबाव पड़ने लग गया। अगर राजस्थान में दवाएं फ्री मिल सकती है, राजस्थान में इलाज फ्री हो सकता है, राजस्थान में टेस्ट फ्री हो सकते हैं, तो हमारी सरकार क्यों नहीं कर पा रही? दबाव जो पड़ेगा उसे पूरे देश का भला होगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। इस रूप में जो हमारी स्कीमें हैं वो पॉपुलर हो रही पूरे मुल्क के अंदर, ये मेरा आपसे कहना है। अब समय नहीं है इसलिए मैं अभी कंप्यूटर बांटेंगे। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, आपके यहाँ के जो प्रधान साहब ने दिखाई था और जो मांगे रखी गई है, मैं समझता हूँ कि मांगे जो है, ये जाकिर साहब तो जयपुर और दिल्ली बात कहते रहते हैं, आपके यहाँ जो जो काम तो काफ़ी हो रहे हैं। पिलाड़ा पिपाड़ के अंदर भी इंदिरा गांधी कहना के पानी आने की योजना बहुत तेज गति चल रही है, 300 से अधिक की योजना है वो योजना। और मैं समझता हूँ कि बिलाड़ा तक पानी आ जाएगा, अगले जनवरी तक आ जाएगा, बहुत तुरंत गति से काम चल रहा है। पिपाड़ में कहते रेलवे क्रॉसिंग का काम था इसलिए रुक गया था, अभी मेरे कलेक्टर साहब बता रहे थे कल रेलवे ने स्वीकृति दे दी है, वो काम जब जल्दी होगा तो अपना आगे काम जल्दी शुरू हो जाएगा। इस प्रकार का हो गया ये काम। आप क्या CSC के लिए कह रहे हैं, यह मांग है कि आई माता जी का जो हॉस्पिटल, आई जी हॉस्पिटल वो CSC इसको मिला करके 50 बेड अभी यहाँ पर है और इसको 100 बेड करने की मांग की जा रही है। अब तो आपके यहाँ SDO ऑफिस खुल गया भाई पिलाड़ा के अंदर, पहले पिपाड़ में था अब तो पिलाड़ा में खोल दिया अलग से। इसलिए मैं ये भी मैं घोषणा करता हूँ कि आपके यहाँ 100 बेड कर दिए जाएंगे 50 के बजाय। अब मांग आपकी जो है सड़कों की, एक तो है सड़कों के लिए, सड़कों की मांग पीपार से बॉयल और भावी से लांबा और तिलवासी से बॉयल, नवीनीकरण डामिनीकरण है भावी फाटे तिलवासनी पीपार से, ये जितनी भी आपने मांगे रखी है इसको मैं वहाँ पे जयपुर जाके इसको मैं देख लेता हूँ क्या क्या ये संभावना बनेगी, उसका एस्टिमेट बनवा करके मैं चाहूँगा इसके लिए जितना संभव होगा वो काम, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं अभी बरसात का मौसम में सड़कें बनती नहीं हैं, पर ये सड़कें हम चाहेंगे कि कैसे मंजूर हो जिससे कि तमाम एरिया में आपको लाभ मिल सके, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। और कॉलेज तो आप कॉलेज की मांग आपकी जो है, कॉलेज तो 15 कॉलेज दे रहे राजस्थान भर में और आप जहाँ जाते हैं कॉलेज की मांग हो रही है। बिलाड़ा का जब मैंने कहा SDO अभी खुल गया है, आप सबकी भावना देखते हुए यहाँ कॉलेज भी खुलेगा उसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। अब तो मेरे ख्याल प्रधान साहब कोई बाकी रही नहीं है, सब बातें कर ली है। आप MP साहब, प्रधान साहब, प्रमुख साहब बैठे हैं तो शिवरेज का 5 करोड़ का एस्टिमेट है, उसको भी मंजूर करते हैं जल्दी कर देंगे, वो भी करवा देंगे 5 करोड़ का बिलाड़ा के अंदर सीवरेज के और सिस्टम बनेंगे, उसके मंजूरी करेंगे, सब मंजूर करवाएंगे, आप चिंता मत करो। आप सबको मेरी, आपको छात्रों को विशेष रूप से, छात्र छात्राओं को मेरी बहुत, उनके उज्जवल भविष्य की, उनके उनके परिवारजनों के लिए, आप सबके परिवारजनों के लिए मेरी बहुत मंगल कामनाएं।
और छात्र जो और छात्राएं जो साइकिल प्राप्त करेंगी और लैपटॉप प्राप्त करेंगे उनको विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में शिक्षा का अध्ययन कंटिन्यूस करें, पूरी पढ़ाई करें, पढ़ाई को ड्रॉप आउट नहीं होवे, छोड़े नहीं। कई बालक बालिका पढ़ाई छोड़ देते हैं, बाद में उनको बहुत तकलीफ होती है ज़िंदगी भर। अगर शिक्षा नहीं है तो जीवन में अंधेरा है। जिसे भुगत लिया माँ बापों ने भुगत लिया, बच्चों का भविष्य बने और आने वाली पीढ़ी का भविष्य अपना बनेगा। यही बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। खोजा ममता राजकीय प्राथमिक विद्यालय बातलिया, राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय खालिया मेघापुर, पिंकी दोस्ती के पिलाड़ा राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय और अमरनाथ वैष्णव, ये पांच बालक वाले जिन्हें प्रत्येक स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जैसा की आप अपने कर कमलों से आप सभी को, सभी बच्चे यहाँ बैठे रहेंगे और उनको अभी यहाँ लैपटॉप दिए जाएंगे। अभी इन पांच बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से ये दे रहे हैं और आज बिलाड़ा की धरती वाकई ऐतिहासिक धरती, ऐतिहासिक कदम बन गए। इतनी सारी घोषणाएं, करोड़ों का सीवरेज परियोजना का यहाँ संचालन पूरा होने जाएगा, उसके बाद महाविद्यालय और 100 बेड अस्पताल, वाकई बिलाड़ा के लिए एक ऐतिहासिक, आज एक करवट ले लिए बिलाड़ा की धरती ने। जो मांगा वही दिया और देखिए अध्यक्ष जी नगर पालिका की जो है उनसे तो खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुछ मांगो और उन्होंने मांगा और हाथों हाथ दे दिया गया। कितना बड़ा शुभ मौका है। और अब पांच बच्चों को लैपटॉप अपने कर कमरों से और उसके बाद कुछ बच्चों को यहाँ साइकिल वितरण चेक भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमरों से देंगे। और साइकिल वितरण चेक में है रवीना नारायण राम पटेल, डॉटर ऑफ वर्षा, डॉटर ऑफ अमरा राम लैंचा, अंजु कुमारी पुत्री ओम प्रकाश जी पटेल, किरण पुत्री पुरखानाथ जी, मंजू पुत्री जयराम जी, पूनम सीरवी पुत्री चैना राम जी, दीपिका पुत्री मल्ला राम जी, पूजा सरगरा पुत्री प्रकाश चंद जी, सुफिया पुत्री श्री जवालुद्दीन जी और सरोज पुत्री मल्ला राम जी। आज इनके माननीय मुख्यमंत्री जी को चूंकि बहुत और जगह भी और दूसरे जिलों में जाना है, आपके प्रस्थान के बाद हमारे जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र पारिक साहब कंटिन्यू ये कार्यक्रम जारी रहेगा और उसमें लैपटॉप और साइकिल के चेक यहाँ पर वितरित करेंगे सभी बच्चों को। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाए। अभी लैपटॉप का वितरण यहाँ पर प्रभारी मंत्री जी राजेंद्र पारिक साहब करेंगे। अब मैं माननीय ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। सीधा रुक कर रहे हैं पाली के जैतारण का, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं और लोगों को संबोधित कर रहे हैं। गांधी जो महिला रूप में, महिला प्रधानमंत्री रूप में, जिस रूप में उन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया दुनिया के अंदर, उन्होंने खाली इस देश और भूभाग का, महाद्वीप का इतिहास नहीं बदल बल्कि भूगोल बदल के रख दिया। बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त करवाया, वो महानेता की मूर्ति का आज यहाँ पर अनावरण हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम का उद्घाटन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जिस रूप में
संदेश दिया था उस जमाने के अंदर आजादी के पहले से ही बाबा साहब का अपना एक संदेश था कि आज भी लोगों के कानों में गूंजता है, जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग गरीब हैं, जो लोग अशिक्षित हैं, तो बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षित बनो, संकेत बनो और आगे बढ़ो। बिना शिक्षा के जीवन अंधेरा है और इसीलिए ये जो प्रोग्राम आज राजीव गांधी विद्यार्थी डिजिटल योजना, जिसमें छात्रों को 18,000 रुपये के कंप्यूटर लैपटॉप के रूप में मिल रहा है, 18,000 का एक लैपटॉप उन छात्रों को मिलेगा जिनके लिए राजीव गांधी ने कहा था कभी इस मुल्क को नई शताब्दी में ले आना है, पूरी तैयारी के साथ में टेक्नोलॉजी और विज्ञान में हम लोग कैसे आगे बढ़े, वो सपना आज आपके सामने सका हो रहा है। कंप्यूटर आगे गांव-गांव में राजीव गांधी भारतीय निर्माण सेवा केंद्र बन गए, वहाँ पर कंप्यूटर के माध्यम से मूल निवास प्रमाण पत्र की बात हो, जन्म प्रमाण पत्र की बात हो, खाद्यदारी की नकल लेनी हो, पानी का बिल, बिजली का बिल जमा कराना हो, वो धीरे धीरे ट्रेन और बस का टिकट भी वहाँ मिलेगा और भी तमाम तरह की सुविधाएं वहाँ मिलेगी। तो आप सोच सकते हो जो क्रांति आई है कंप्यूटर की, सेटेलाइट गुमराह आकाश के अंदर और पूरी दुनिया जुड़ चुकी है मोबाइल फोन से। हमारी बहनें माताएं भी मोबाइल फोन रखती है अपने पास में, खेत में काम करती करती अपने पति देव को फोन करती है, अभी मैं 1-2 घंटे दिल्ली से आऊंगी। ये जमाना आ गया है देश दुनिया के अंदर, अब अगर हमने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, हम तो किसान रहे, मजदूरी करी, सब कुछ किया, नरेगा में काम भी करते होंगे, आने वाली पीढ़ी कम से कम शिक्षित बने, कंप्यूटर के एक्सपर्ट बने, ये सोच के हमने 8 ही क्लास के बच्चों को फर्स्ट पोजिशन वाले पर तो रखा हमने मेरिट के अंदर 18,000 का कंप्यूटर लैपटॉप और दूसरे से लगा 11 तक के नंबर जिनके आए हैं मेरिट के अंदर, आठवीं में 3.5 लाख बच्चे बच्चियों को, लड़के लड़कियों को, छात्र छात्राओं को हमने 6,000 रुपये का चेक दिया है, किसी टैबलेट खरीद ले, अभी से वो कंप्यूटर सीखने के लिए अपना प्रयास शुरू कर दिए, जिससे कि बड़े होकर के वो एक्सपर्ट बन सके। बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है दुनिया की, देश की, जहाँ 5 लाख रुपये भेजते प्रति वर्ष, कहीं 10 लाख, कहीं 15 लाख, कहीं 20 लाख, कहीं 25 लाख, 50 लाख, ये पैकेज मिलते लोगों को। हमारी आने वाली पीढ़ी भी तैयार हो, ट्रिपल ID को नहीं है कोटा के अंदर, जयपुर मैंने खोल चुकी थी हमारे वक्त में, हम पिछली बार सरकार में थे। तो इस प्रकार से राजस्थान के छात्र भी एक्सपर्ट बने कंप्यूटर के, और सभा के IIT खुल गई जोधपुर के अंदर, IIM खुल गई उदयपुर के अंदर, ट्रिपल आई डी खुल गई कोटा के अंदर। सारा ढांचा शिक्षा का आज राजस्थान मौजूद है, तमाम तरह की यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय खुल चुके हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी और सरकारी सेक्टर में खुलते जा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, आप सब जो किसान लोग बैठे हुए हो उनके लिए तो हमने कोई कमी नहीं रखी, जो आपके वादे थे हमने 5 साल तक बिजली की दर नहीं बढ़ाएगी, नहीं बढ़ाई, उनके बारे में 5,000 करोड़ रुपया सरकार ने बढ़ाया कंपनियों में, जिससे कि वो भार आपके नहीं बढ़े, दरें बढ़ती है, पर सरकार बढ़ती है पैसा कंपनियों को, इसलिए आपके खाते में नहीं आता। इस रूप में हमने 1.5 लाख का जो कर्जा दिया है किसानों को, 15,000 करोड़ रुपये कर्जा मिलेगा, पूरा ब्याज आपका जो टाइम पे जमा करा देगा किसान, उसका 1-1 रुपया पूरा ब्याज का बैंकों को सरकार भरेगी, किसान को 1 रुपया नहीं भरना पड़ेगा, ये भी हमने कर सकते। पशुपालकों के लिए 2 रुपये प्रति लीटर दूध बोनस सरकार दे रही है प्रोत्साहन देने के लिए, जिससे कि भाव नहीं बढ़े दूध का और किसान की जेब में पैसा आ जाए। इस प्रकार से जो योजना किसानों के लिए, गेहूं के लिए हमने 150 रुपये प्रति क्विंटल सरकार दे रही है किसानों को,
बोनस के रूप में लौटता उनके अंदर। सैकड़ों स्कीम बना दी हम लोगों ने जो आपके जेब में है, ड्रिप इरीगेशन, बूंद बूंद की खेती कैसे हो, फवारा खेती कैसे हो, पानी कम है राजस्थान के अंदर। हमारी जिम्मेवारी बनती धीरे धीरे हम लोग 90% सब्सिडी है बूंद बूंद खेती के अंदर, 86% सब्सिडी है फवारा खेती के अंदर, उसका लाभ हम कैसे उठाएं जिससे कि आने वाले वक्त के अंदर पानी कम पानी में हम अधिक फसलें बो सकें, उगा सकें, उत्पादन कर सकें। इसराइल जैसे मुल्क में हम जाके आए थे, कृषि मंत्री हरिचंद्र गुरुंग साहब वो जाके आए थे पहले, हम सब देख के आए कैसे बूंद बूंद पानी से भी अधिक फसलें हो सकती है जो आज पानी जब लेते हैं बाकी पानी बेच जाता है, खराब होता है। ये तमाम बातें आपको समझनी पड़ेगी। किसान आयोग की रिपोर्ट परसों मुझे मिली है नारायण सिंह जी हमारे अध्यक्ष से, दूसरी रिपोर्ट मिली उनकी, उन्होंने सुझाव देंगे, पहले हमने कई मंजूर किए। इस प्रकार सरकार किसानों पर पूरा तवज्जो दे रही है, राजस्थान के किसान पीछे नहीं रहे देश में, और भगवान की कृपा से लगातार मानसून की वर्षा जो हो रही है लगातार, आप देखो 14 वर्ष है शानदार मानसून हो रहा है, असली फसलें हो रही है, किसानों के चेहरे पे खुशी है, मुस्कुराहट है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा और प्रार्थना करूंगा ईश्वर से लगातार अकाल सूखेगा काला मुंह करे, जिन सदियों से हम लोग भुगतते आए थे अकाल सूखे को लेकर, जिन कोई परिवार के मेंबर की तरह बन गया अकाल सूखा, 65 साल में कोई 50-55 साल अकाल पड़े होंगे, तो आपने बहादुरी से मुकाबला किया, सरकार ने आपका साथ दिया, राम लूट गया राज कभी नहीं लूटा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। परसा मजना जी अकालदास बनती थे कुछ जमाने के अंदर, हम किसे सुनते थे, मोहनलाल सुखाड़े जी मुख्यमंत्री थे, सड़कें नहीं थी गांव के अंदर, उस जमाने के अंदर किस रूप में 7-7 दिन के दौरे होते थे मुख्यमंत्री के, मंत्री के सुख दुख पूछो, अकाल के काम खोलो, पशुधन को बचाओ, चारे का प्रबंधन करो, पानी का प्रबंधन करो, मनुष्य के लिए भी और गायों के लिए, पशुओं के लिए भी कठिन काम होता है, पर सरकार ने कोई कमी कभी नहीं रखी। राजस्थान के इतिहास गवाह है और आप बुजुर्ग लोग गवाह हो, नई पीढ़ी को कम मालूम होगा, इतना कहना चाहूंगा आपको। आज भी सरकार को कमी नहीं रख रही है, फूड प्रोसेसिंग की अलग से पॉलिसी बनाई हमने, वो काम करी राजस्थान के अंदर, पहले खाली सूखा काल के अंदर पहली बार आजादी के बाद में 850 करोड़ रुपए पहले और पिछले साल 600 करोड़ रुपए 12 जिले में अकाल पड़ गया था, हमने इनपुट सब्सिडी अनुदान दिया पहली बार, आदान अनुदान जो खेती कर लेता है, बरसात आ गई पैसा लग गया बीज खराब हो गया और बाद में बरसात आई नहीं खेती खराब हो गई, वो पैसा कभी नहीं मिलता था पहले, हमने 850 करोड़ दिए 2009 के अंदर, इस बार 600 करोड़ बांट रहे हैं हम लोग राजस्थान के अंदर। पेनगोला वृष्टि में आपको मुआवजा मिलता था थोड़ा बहुत, सोनिया गांधी जी ने डॉक्टर मनमोहन जी ने बात की, और शीतलहर में भी पाला पड़ जाता है पहले मुआवजा का नहीं था प्रावधान, अब पहली बार देश में लागू हमने करवाया है कि पाला पड़ने पर भी मुआवजा मिलेगा किसान को। इस रूप में जो फैसले होते जा रहे हैं, कृषि विश्वविद्यालय 3 नए खोल रहे राजस्थान में, 3 नए एक साथ में खोल रहे हैं, पहले उदयपुर में बीकानेर में थे, अब जोधपुर में खुलेगा, जयपुर जोधपुर में खुलेगा, कोटा में खुलेगा। इस प्रकार सरकार पूरा ध्यान दे रही है कैसे कृषि का विकास हो, कैसे किसानों की माली हालत मजबूत हो, इस प्रकार से हम आगे बढ़ सकें। इस रूप में सरकार ने, मैं समझता हूँ कि ये सब काम किए जो सरकार चाहती है कि राजस्थान में गांव के अंदर खुशहाली आए, गांव हमारे किसान लोग खेती करते हैं तकलीफ पाते हैं। नरेगा में नरेगा योजना एक ऐसी योजना आई थी जिसे इतिहास कायम कर दिया देश के अंदर, 100 दिन का रोजगार जो पहले नहीं मिलता था, पहले मांगने पे मिलता था, कानून बना दिया सोनिया गांधी ने, डॉक्टर मनमोहन जी ने, चाहे अकाल पड़ो या नहीं पड़ो,
जो मजदूर चाहता है 100 दिन का जो कानून का मिलेगा ही मिलेगा, उसको मांगने पर नहीं देगी सरकार तो घर बैठे भत्ता देना पड़ेगा, ये कानून बन गया। और आतंक सरकार वो सरकार देश के अंदर है जिसने कह दिया है कि हम 150 दिन करेंगे राजस्थान के अंदर, हमने तय किया है 100 दिन के बजाय 50 दिन और एक्स्ट्रा सरकार काम देगी, जो मेगा उनको अलग से काम देगी और 100 दिन रोजगार पूरा करेगा। उसको हमने 2100 रुपये दिए चेक बांटे राजस्थान भर के अंदर, 1.5 लाख चेक बांटे हैं जिससे कि वो गरीब आदमी इसीलिए 100 दिन उनको काम करना पड़ा। इस प्रकार से जो योजनाएं बन रही है गांव गांव में जो गरीब लोग हैं उनके लिए अलग योजना है, बीपीएल की 2 साड़ी और 1 कंबल दी गई है, 1500 रुपये चेक बांटे गए हैं जिससे कि बीपीएल परिवार को भी उसका लाभ मिल सके। इस रूप में सीधा कैश ट्रांसफर बजाय इसके ठेके करो साड़ियाँ खरीदो फिर गरीबों को दो, उसमें बेईमानी होती है, करप्शन होता है। और जो राजीव गांधी ने कहा था 1 रुपया भेजते दिल्ली से विकास के लिए गांव में तो 15 नए पैसे पहुंचते हैं, बाकी तो बिजली खर्च हो जाता है। उनको खत्म करने के लिए भारत सरकार ने भी तय किया है सीधा अनुदान उनके खाते में जाए, बैंक के खाते में जाए। और इसीलिए आज हमने 3.5 लाख चेक बांटे हो पीछे टैबलेट के लिए। और आज के दिन हम लोग 18,000 का लैपटॉप मैंने बताया उसी ढंग से 5 लाख लड़कियों को 5 लाख छात्राओं को जो 8वीं पास की है इस बार 9वीं में प्रवेश लेगी उन 67 दुनिया के देश के और उदारीकरण की नीति आई वैश्वीकरण आया उसके बाद में जो पैसे का चलन हुआ देख रहे हो आप खुद देख रहे हो, पहले लाखों के लोग बात करते थे अब करोड़ों की बात लोग करने लग गए। आज स्कीम हमने बनाई, बजट मैंने पेश किया 40,500 करोड़ का किया राजस्थान के अंदर 40,500 करोड़ का इतिहास का सबसे बड़ा बजट है आप सोच सकते हो। इस रूप में शानदार रीति प्रबंधन हमने किया तब जाकर हम 1 लाख बने हैं। आज सोशल सिक्योरिटी की स्कीम में एक के बाद एक ला रहे हम लोग राजस्थान भर के अंदर, इसकी में एक परमानेंट रहेगी, चुनाव से कोई संबंध नहीं है, चुनाव के बाद में पेंशन मिलेगी। जो लोग अफवाह फैलाते हैं कि खाली 2 महीने के लिए मिलेगी, मैं उनको पूछना चाहूंगा जब एक बार फैसला हो गया तो आप इस पर अफवाह फैला के क्या करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग बौखला गए हैं इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा जब पानी की स्कीम में हो, अभी दिलीप चौधरी जी एमपी साहब मांग कर रहे थे, हमने यह पानी की योजना आपने लागू कर दी, हम चाहेंगे उसको पूरी करें, परीक्षण करवाएंगे उनकी क्या भावना है उसको दिखवाएंगे, सड़कों की बात की दिलीप चौधरी जी ने उसको दिखवाएंगे कौन कौन सड़क बन सकती है। एकदम मीटिंगों के अंदर खड़ा होकर मुझसे घोषणा करवा रहे हो कैसे काम चलेगा, आपने मुझे आज कहा है आपका पहले भी कोई काम रुका नहीं है, आपने हमारा साथ दिया, बीएसपी के साथ 6 लोग थे तो भाई सरकार बन नहीं पाई थी पिछली बार कम पड़ गई संख्या, बिना 101 नंबर के नहीं बनती सरकार राजस्थान के अंदर, 6 बीएसपी के साथ ही थे उन्होंने साथ दिया हमारी सरकार स्थायी हो गई, निर्दलीय साथी थे दिलीप चौधरी भी था इन लोगों ने साथ दिया सरकार चल पड़ी। आप देख रहे हो आज चाहे यूपीए गवर्नमेंट गठबंधन की सरकार है उसी रूप में गठबंधन की सरकार ही हमारे यहाँ पर है, ये हमारे लोगों को समझना पड़ेगा। जब गठबंधन की सरकार है निर्दलीय हमारे साथ में है, बीएसपी के साथी हमारे साथ में मर्द हो गए, हमें उसी रूप में आज फैसले किए हैं, मजबूती ने फैसले किए हैं राजस्थान में इतनी सरकार रहे इतने ने हमारा साथ दिया है और हमने जो फैसले किए हैं आप देख रहे हो वो ताजी काबिल है। पूरे मुल्क में चर्चाएं हो रही है राजस्थान की स्कीमों की, दवाई फ्री की योजना हो टेस्ट फ्री हो, 15 अगस्त से आपके पीएससी में भी टेस्ट फ्री होने लग जाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। इस रूप में जितनी बातें कही उतनी कम है पर समय कम है इसलिए मैं लंबी बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अभी हमारे आर के सैनी साहब या जो लैपटॉप बांटेंगे कुछ लैपटॉप मैं अपने हाथ से दूंगा छात्रों को, कुछ चेक मैं खुद बांटूंगा, उसके बाद बाकी बचे हुए चेक हमारे यहाँ के
जो प्रबंध मंत्री है ईडवा साहब को मेरे साथ जाना पड़ेगा, ब्यावर में बना वो भी रुकते हैं यहाँ पर, तो बाकी जो साथी हैं दिलीप चौधरी जी खुद हैं, ये सब मिलकर के तमाम जो छात्र यहाँ पर आए हैं उन सबको ढाई ढाई हजार के चेक साइकिल के लिए छात्रों को और लैपटॉप बांटेंगे। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि राजस्थान में पानी की योजनाएं बनाई हो, चाहे बिजली का उत्पादन किया हो, रिकॉर्ड बना है देश के अंदर 6,500 मेगावाट का एडिशन हुआ राजस्थान के अंदर 4.5 साल के अंदर 6,500 का एडिशन हुआ, कुछ सोच सकता है? अभी सोने गांधी जी आई थी वहां पर सुंदरगढ़ के अंदर, हे भाई शांत रहो बात में पहले, सारी योजनाएं जिस प्रकार से लागू की गई, अभी सुंदरगढ़ में आपने देखा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट 1,320 मेगावाट के प्लांट एक जगह पर वो शुरू हो रहा है, छपड़ा में एक और शुरू होगा इसी ढंग का प्लांट। इस प्रकार से पानी की योजना हो, बिजली की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य सेवाओं की हो, सड़कों की हो, जाल बिछड़ा सड़कों का, नरेगा के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लोगों को परमानेंट करने का काम हमने हाथ में लिया, देश में कहीं पे भी नहीं हुआ। नरेगा कर्मी जो है उनका काम हमने हाथ में लिया है, देश में कहीं पे भी नहीं हुआ। आप सोच सकते हो शिक्षा मित्र की बात कर रहे हैं, जितने शिक्षा मित्र हैं प्रबोधक हैं, मैं समझता हूँ कि राजीव गांधी पाठशाला वाले टीचर्स हैं, लोग जुम्मे के टीचर्स हैं, ये पहली सरकार है जिसने 1.5 लाख तो नौकरी दे दी और 1.5 लाख से अधिक की प्रक्रिया चालू है। कभी कभी हाईकोर्ट स्टे आता है, कभी एनसीसी के लिए आता है, कभी टेट के लिए आता है, रिकॉर्ड आती है। मुझे खुशी है आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, कल मालूम पड़ेगा, उम्मीद करते हैं कि वो फैसले के बाद में प्रक्रिया जो रुक गई थी टीचर्स की टेट के कारण से प्रारंभ हो जाएगी, तो लाखों छात्रों को लाभ मिलेगा। नई भर्ती जो हमारी 20,000 टीचर्स की रुकी पड़ी थी, 30,000 टीचर की, 20,000 टीचर थर्ड ग्रेड की, 10,000 टीचर सेकंड ग्रेड के, और कई भर्ती रुकी पड़ी थी, मैं उम्मीद करता हूँ वो तमाम भर्ती वापस प्रारंभ हो जाएगी। इस प्रकार हर तबके के लोगों को समझना चाहिए, विद्यार्थी मित्र के लिए भी हमने अलग से समय बना दिया, हाईकोर्ट में उसकी प्रॉब्लम पैदा हो गई थी, एक एक समस्या हल कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा ये भी हमारे जो पूरे रास्ते की तकदीर बदलेगी, बाड़मेर का तो पता नहीं कितना विकसित जिला बन जाएगा, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक साथ में वहां पर आएगा, रिफाइनरी किसे कहते हैं आप कल्पना कर सकते हो? तेल निकल गया, गैस बंद निकल रही है, खाते कारखाने लग सकते हैं, बिजली घर लग सकते हैं गैस आधारित। आने वाला वक्त सुनहरा भविष्य राजस्थान का और बाड़मेर का विशेष रूप से, इसलिए विवाद जो पैदा करते हैं विपक्षी पार्टी के लोग, उनको मैं कहना चाहूंगा आपकी सरकार भी थी, आपने परवाह नहीं करी, 8 साल पीछे रह गए राजस्थान के अंदर। अब रिफाइनरी आई है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने फैसला कर लिया लगाने का, और विवाद पैदा करके आप राजनीति कर रहे हो, प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। ये रिफाइनरी खोली आने वाली पीढ़ियों के लिए लग रही है, वर्तमान पीढ़ी के नौजवानों के, उनके लिए लग रही है, पेट्रोकेमिकल साथ में होगा, हजारों इकाई लगेगी प्लास्टिक की, 9 मिलियन टन की रिफाइनरी है जो पहले 4.5 मिलियन की टन की थी प्रस्ताव। इस प्रकार के फैसले जो हो रहे हैं उसमें मैं समझता हूँ कि सकारात्मक सोच होनी चाहिए सबकी, राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये मैं अपील करना चाहूँगा। इसलिए मैं लंबी बातें करता रहा आपसे, मैं अपील करूँगा ये तो चुनाव आ रहा है, चुनाव के अंदर आप देखते हैं कि इस प्रकार का माहौल बनाना इनकी फितरत के अंदर है, और सरकार ने जो रास्ता पकड़ा है विकास का, राजस्थान की खुशहाली का, आम जनता कल्याण का और सोशल सिक्योरिटी स्कीमों का, सामाजिक सुरक्षा मिले एक इंसान को, इसे 50 तरह की स्कीम बनाई हम लोगों ने। मैं आपसे अपील करूंगा कि ये जो छात्र बैठे हुए हैं इनको मैं अपील करूंगा कि ये कंप्यूटर सीखे, ये जो लैपटॉप मिला है आज की सीएल में के माध्यम से जहाँ राजीव गांधी सेवा केंद्र बने हुए हैं वहाँ फ्री सिखा रहे गर्ल्स को, वो भी सीखे,
और कंप्यूटर चलाना सीख जाएंगे बचपन के अंदर, तो जिंदगी में इनका व्यक्तित्व निखर जाएगा, कामयाब होंगे, नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, खुद का काम धंधा कर पाएंगे, बहुत उज्जवल भविष्य इनका बने। इसलिए मैं अपनी ओर से आप सबकी ओर से जो छात्र है और जो हमारे छात्राएं हैं जिनको हमने टाइगर देने का तय किया है, उन तमाम लोगों को अपील करना चाहूँगा, पढ़े छोड़े नहीं, लगातार पूरी पढ़ाई पूरी करे। हमने यहाँ तक कर दिया है, राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर 1,00,000 विद्यार्थियों को, 1,00,000 विद्यार्थियों को किसे कहते हैं जो मेरिट में आएंगे, उन सबको अगले 5 साल तक, यदि हमने किया 10 बार 10,000 बच्चे लैपटॉप के लिए, 12 बार 10,000 बच्चे, 8 बार नंबर 1 बच्चा आएगा, 35-36,000 स्कूल है, उन सबको लैपटॉप दे रहे हैं। उसी प्रकार से जो 12 पार करेगा और मेरिट में आएंगे, उन 1,00,000 छात्र छात्राओं को अगले 5 साल तक लगातार प्रति माह 500 रुपये का वजीफा मिलेगा, ये मैं हम करना चाहता हूँ। इस रूप में जो फैसले हुए हैं उन सबको आपको समझना है, ये तमाम राष्ट्रों के भविष्य को देख के बनाए गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि राष्ट्र में शिक्षा का परसेंटेज बढ़े, कोई लड़का लड़की शिक्षा से वंचित नहीं रहे। केरल जैसा प्रदेश जो है 100% शिक्षा होती है वहाँ पर, उसी प्रकार हम भी आगे बढ़े। यही बात कहता हूँ मैं, दिलीप चौधरी जी ने कहा CSE लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं की बात की गई है। जब मैं चाहूँगा कि जैतारण बड़ा कस्बा भी है, पूरा क्षेत्र लगता है यहाँ पर एक नई PSC महिलाओं के लिए हॉस्पिटल खुलेगा, पूरा मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में छोटी मोटी समस्या तो ये दिलीप चौधरी मुझसे बात कर लेगा। काठा बेल्ट में तलाई में एक PSC चौराहा तलाई रामगढ़ में, ये PSC भी खोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, घोषणा कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आप सबको बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। आप अपने स्थान पर जमा रहे लैपटॉप का वितरण होगा। हाँ, मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से निवेदन कर रहा हूँ कि जो प्रथम ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ब्यावर में है, यहाँ पर शहरी जल योजना का कार्यक्रम चल रहा है, लोकार्पण कार्यक्रम इस वक्त आप देख रहे हैं। सीधी तस्वीरें ब्यावर से जहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, शहरी जल योजना का लोकार्पण कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है और मुख्यमंत्री लोगों को संबोधित करने जा रहे हैं। आपको कितना
बार हुआ छात्रों को लेकर के 5 दिवसीय प्रोग्राम जिसमें पूरे प्रदेश के अंदर एक तरफ हमारे छात्रों को स्कीम बनाई हम लोगों ने लैपटॉप देने की, जो नया डिमांड आया है उसके हिसाब से अगर युवा पीढ़ी और छात्र समुदाय अभी तो तैयारी करेंगे तब जाकर के आने वाले वक्त में मानव संसाधन के रूप में। और वहां पर लैपटॉप वितरण कार्यक्रम चल रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सौगातें जो हैं उनका सिलसिला जारी है। बच्चियों को चेक वितरित कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, साथ ही साथ प्रतिभावान जो छात्र थे उनको भी उन्होंने लैपटॉप दिए हैं। उसके बाद छावनी स्कूल की छात्राएं और साइकिल के लिए चेक वितरित किए जा रहे हैं। लीना